रात 1 बजे के आसपास हम सो रहे थे, एकदम भूकंप जैसी आवाज आई, हमारी बिल्डिंग हिल गई। देखा तो पता लगा धुआं धुआं पूरे घर में, जैसे क्या हो गया हो। पता लगा बाहर आके देखा तो यहाँ गाड़ी की लाइटें जल रही हैं और पूरा कुछ नज़र नहीं आ रहा, धुआं धुआं पूरे घर में। हमारा दरवाजे खिड़की टूट के हमारे ऊपर ईंटें आके पड़ी हैं, बेड पे सो रहे थे। और यहाँ देखा तो बंदा आराम से बैठा है गाड़ी में और बेहोश, निकाला है उसको बाहर, पुलिस वाले मौजूद थे राउंड पे। शराब पी रखी थी जी, उसे बात ही नहीं करी जा रही थी। यहाँ हमारी स्कूटी बाइक खड़ी थी तो उनके बचाव से हमारे पास अंदर नुकसान नहीं पहुंचा। हम यहाँ आपसे बात कर रहा हूँ तो सही खड़ा हूँ, अगर ये सामान ना होता यहाँ पर बाहर तो गाड़ी तो कमरे में बैठ के ऊपर चढ़ा देता। मतलब उसने मारने की हमें कोई कसर नहीं छोड़ी थी। कितना नुकसान हुआ होगा? नुकसान तो काफ़ी हो गया है जी, अब पता लगेगा कितना नुकसान हुआ है। ललित कुमार जी, गाड़ी घर में घुसी है क्या है? एक गाड़ी आई स्पीड से और 699 17-8 फरीदाबाद के मकान के पीछे हिस्से में अंदर घुस गई और हमने आरोपी को साथ ले लिया और तफ्तीश करी, सारी कार्रवाई मौके पर करी और जांच जारी है। दोनों पक्षों को थाने में ना हाजिर कर रखे हैं। तो क्या दीवार तोड़ के अंदर घुसी? दीवार तोड़ के अंदर घुस। अभी मामला दर्ज किया है? अभी जांच चल रही है।